दिल्ली नगर निगम ने अपने 12 जोनों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने के लिए 4 सितंबर को वार्ड समिति के चुनाव कराने की घोषणा की। ये चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होंगे, जैसा कि दिल्ली नगर निगम विनियम 1958 में निर्धारित किया गया। चुनाव प्रक्रिया को लेकर पार्षदों को 30 अगस्त तक अपने नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे। दिल्ली नगर निगम ने अपने 12 जोनों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने के लिए 4 सितंबर को वार्ड समिति के चुनाव कराने की घोषणा की। ये चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होंगे, जैसा कि दिल्ली नगर निगम विनियम 1958 में निर्धारित किया गया। चुनाव प्रक्रिया को लेकर पार्षदों को 30 अगस्त तक अपने नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे। एमसीडी के आदेश के अनुसार चुनाव अलग अलग स्थानों पर आयोजित होंगे। पहले 6 जोन रोहिणी, नजफगढ़, पश्चिम, दक्षिण, सिटी एसपी और मध्य जोन के लिए चुनाव नगर निगम मुख्यालय के हंसराज गुप्ता सभागार में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। बाकी 6 जोन करोलबाग, केशवपुरम, शाहदरा दक्षिण, शाहदरा उत्तर, सिविल लाइन्स और नरेला के लिए चुनाव सत्यनारायण बंसल सभागार में इसी समय के दौरान होंगे। इन्हीं चुनाव पर दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखो, ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है कि वार्ड समिति का इलेक्शन 19 महीने के बाद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सभी निगम पार्षद पिछले 1-1.5 साल से लगे हुए थे। हम कंटिन्यूस हाउस के अंदर आवाज़ उठा रहे थे, महापौर महोदय का घेराव कर रहे थे। जो प्रेशर एज ए प्रतिपक्ष हम कर सकते हैं, विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए हमने अच्छे से निभाई और उसका रिजल्ट देखने को मिला कि डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, इलेक्शन की प्रोसेस, अब मुझे उम्मीद है कि कल चालू हो जाएगी और कल लास्ट डेट है नॉमिनेशन भरने का। नगर निगम में वार्ड कमेटी के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है, जहां दोनों पार्टियां अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इन चुनाव में जोर शोर से हिस्सा लेंगी। इस चुनाव के नतीजे आने वाले समय में दिल्ली की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। सभी की नजरें अब 4 सितंबर को होने वाले इस महत्वपूर्ण चुनाव पर टिकी हैं। देखो, हमारा कभी भी विरोध नहीं चला, हम तो सच की बात करते हैं और जो इलेक्शन आज हो रहे हैं ये 20 महीने पहले हो जाने चाहिए थे। हम तो केवल ये कह रहे थे कि आप इलेक्शन करवाइए, हार जीत की बात तो बात की है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि उनका जन आधार कम हो रहा है और निगम पार्षद भी उनका साथ नहीं देंगे, इसलिए वो उसको 18 महीने से उसको पोस्टपोन कर रहे थे। बताते चले कि चुनाव के लिए उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच दाखिल कर सकते हैं। एमसीडी विनियमों के अनुसार वार्ड समिति अपनी पहली बैठक में सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को उपाध्यक्ष चुनती है। 4 सितंबर को होने वाले ये चुनाव वार्ड समिति की पहली बैठक के रूप में माने जाएंगे। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।